आदेशों को आओ मानना करते हुए इस पर आज तक कोई कार्रवाई विभाग द्वारा नहीं की गई। क्या किसी की मृत्यु के उपरांत ही विभाग और सरकार की आंख खुलेगी? आइए देखते हैं आलम कादरी की एक रिपोर्ट। चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम कादरी है, नई दिल्ली से। आइए आपको डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ पे जो आवागमन रोड है वहाँ पे बहुत ही ध्वस्त हो चुकी है ये रोड। आइए दादा से बात करते हैं, ये बताते हैं क्या है। अपना धीरेन्द्र गाँव बेला की है ये रायबेली को जोड़ने वाली मेन रोड। इसमें हजारों वाहन दिन भर चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, बस चलती हैं, चार बसें चलती हैं सरकारी और प्राइवेट वाहन दिन भर चलते हैं। ये पुलिया विगत एक साल से पिछले साल ये किनारा टूटा था। जी जी जी। रोड विभाग ने बनवाया, शिकायत मैंने की तो उनने कहा ये नहर विभाग की है, इसको हम नहीं बनवा सकते। तो सर ये बताइए किस किस को सूचना दिए थे आप? इसको मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शिकायत दर्ज कराई ऑनलाइन, उनका मैसेज आया कि ये हमारे विभाग की नहीं है, नहर विभाग की है। तो मैंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह इसका तो ये सरकार कैबिनेट मंत्री उनके ट्विटर पे इसको डाला, दैनिक जागरण में दिया, अमर उजाला में दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, पूरी टूट गई है। कोई इसमें दो आदमी एक्सीडेंट में खत्म हो चुके हैं। एक बार एक कार वाले ने टक्कर मारी यहाँ, तो एक बार अंधेरे में बाहरी आदमी आता है मोटरसाइकिल से आया, अभी कुछ हो सकता है, फल के वहाँ गिरा जाते हो, आने बात खत्म हो, दो आदमी खत्म हो चुके हैं लेकिन कोई सुनने वाला। हाँ सर, आपका नाम? राम प्रसाद। क्या परेशानी है यहाँ पे? अरे यहाँ आने से बहुत दिक्कत होती है, यहाँ मतलब हम लोग निकल नहीं पाते, गाड़ी घोड़ा नहीं निकल पाते, टैक्सी वगैरह लेना है लाना है, कैसे जाए। अब ये टूटी पड़ी है। कब से टूटी पड़ी है ये? अरे इसको कम से कम एक साल हो गए। एक साल हो गया। अच्छा, इधर से भी कोई अधिकारी जाता है? अरे आते जाते रहते हैं, कोई इसे नज़र नहीं डालता। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं करते? कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा।